हेलो स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स के आज के सेशन में हम देखने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है ग्रैंड प्रिक्स। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बैंकिंग के एग्जाम में। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि ग्रैंड प्रिक्स होता क्या है। तो जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि क्रिकेट में वर्ल्ड कप बड़ा, फुटबॉल में वर्ल्ड कप बड़ा, टेनिस में ग्रैंड स्लैम सबसे बड़ा होता है, स्पोर्ट्स में ओलंपिक सबसे बड़ा होता है, वैसे बात करेंगे फॉर्मूला रेस में या F1 रेस में क्या बड़ा होता है, ग्रैंड प्रिक्स। जो फॉर्मूला रेस है या फिर इसे F1 रेस कहा जाता है, तो इस रेस में सबसे बड़ा क्या होता है, ग्रैंड प्रिक्स टॉपिक बड़ा होता है या ग्रैंड प्रिक्स जो है ये टूर्नामेंट सबसे बड़ा माना जाता है। तो एक साल में कितने ग्रैंड प्रिक्स खेले जाते हैं, 23। एक साल में कितने खेले जाते हैं, 23। ये 20 के 23 ग्रैंड प्रिक्स आपको मैं शॉर्टकट में याद कराऊंगा। ओके, तो देखते हैं अभी ये ग्रैंड प्रिक्स इस साल भी हुए कंप्लीट। तो इस साल अभी तक खेले जा चुके हैं लगभग 9 ग्रैंड प्रिक्स। अगर बात करेंगे इस साल लगभग 8 से 9 ग्रैंड प्रिक्स खेले जा चुके। तो अभी रिसेंटली जो ग्रैंड प्रिक्स हुआ था वो 2 जुलाई को खेला गया था। ऐसे टोटल अभी तक बात करेंगे तो 9 ग्रैंड प्रिक्स हो चुके हैं। और इस 9 ग्रैंड प्रिक्स में हमें अभी जो नाम दिखने वाले हैं तो वो सिर्फ 2 ही नाम दिखने वाले हैं। तो बात करेंगे इस ग्रैंड प्रिक्स की। तो इस ग्रैंड प्रिक्स में जो है हमें एक ही नाम ज्यादा दिखने वाला है और उसका नाम है मैक्स वर्स्टैपन। मैक्स वर्स्टैपन की बात करेंगे तो 2021 से इसके प्रदर्शन की बात करेंगे तो 2021 से ही ये नाम काफी न्यूज में आ रहा है। 2021 में इसने अकेले ने 23 में से 8 ग्रैंड प्रिक्स जीता था। फिर 2022 का साल आता है तो 2022 में इन्होंने अकेले ने 23 में से 14 ग्रैंड प्रिक्स मतलब कि 14 ग्रैंड प्रिक्स अकेले ने जीता था। और अभी भी 2023 की बात करेंगे तो 2023 में अभी तक 9 ग्रैंड प्रिक्स हो चुके हैं, उसमें से 7 ग्रैंड प्रिक्स अकेले मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। उनका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। इस साल सिर्फ सर्जियो पेरेज उनको थोड़ा कॉम्पिटिशन दे पाए और 2021 में लुइस हैमिल्टन ने दिया था। 22 में भी उन्होंने कोशिश की थी लुइस हैमिल्टन ने कॉम्पिटिशन देने की, लेकिन 2023 में तो जो लुइस हैमिल्टन का नाम ही नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्रैंड प्रिक्स की किसने सबसे ज्यादा जीते हैं जिसका नाम बताया मैंने आपको उसके बारे में। दिख रहा है नाम आपको, मैक्स वर्स्टैपन। ये एक ही नाम काफी चल रहा है आज 2023 में। तो जो मैक्स वर्स्टैपन है इसको स्पॉन्सर कौन करता है, रेड बुल। ओके, और ये कहां से बिलोंग करता है तो नेदरलैंड से। तो ये 3 चीजें याद रख लो पहले कि एक तो पहले उसका नाम शॉर्टकट में इसका नाम याद रखना आपको मैक्स, शॉर्टकट में इसका नाम क्या रखना मैक्स। मैक्स वर्स्टैपन कहां से बिलोंग करता, कहां से कौन स्पॉन्सर करता है, रेडबुल। कहां से बिलोंग करता है तो नीदरलैंड से। ये 3 चीजें याद रखना, शॉर्टकट में उसका नाम मैक्स और मैक्स को स्पॉन्सर कौन तो रेडबुल, और वो कहां से बिलोंग करता है तो नीदरलैंड से। ये 3 चीजें क्लियर हो गई सबको, मैक्स, रेडबुल और नीदरलैंड। उसके बाद इस साल उसने कितने कितने ग्रैंड प्रिक्स जीता है वो देख लेते हैं। तो हमें दिख रहे हैं यहां पे 7 ग्रैंड प्रिक्स। मैंने बोला था आपको अभी तक 9 खेले जा चुके, तो अभी तक 9 में से 7 किसने जीता, मैक्स वर्स्टैपन ने। ओके, बहरान दिख रहा है मैं, ऑस्ट्रेलियन, मियामी, मोनाको, स्पेनिश, कैनेडियन, ऑस्ट्रियन, ये 7 ग्रैंड प्रिक्स मैक्स ने जीता है। अब इसको शॉर्टकट में कैसे याद रखना, क्लियर सबको, इसको शॉर्टकट में कैसे याद रखना है, तो इसको याद रखेंगे हम शॉर्टकट में AABC। इसको शॉर्टकट में कैसे याद रखेंगे, AABC, दूसरा MMS। क्लियर, AABC और MMS ऐसे शॉर्टकट में याद रखना है। फिर आप सोचो कि AABC और MMS क्या, तो AABC मतलब एक ऑस्ट्रेलियन एक ऑस्ट्रियन। आपको यहां पे लग रहा होगा कि दो दो बार ऑस्ट्रेलिया लिखा, नहीं, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया दोनों देश अलग है, कंफ्यूज मत होना। ये जो ऑस्ट्रियन दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपको ऑस्ट्रियन, ये कौन सा देश है, ऑस्ट्रिया, एक यूरोपियन कंट्री है ऑस्ट्रिया। कौन सी है, यूरोपियन, जिसके कैपिटल आपको वियना दिखेगी, और यूरोपियन कंट्री है तो इसकी करेंसी क्या होगी, यूरो। क्लियर है क्या, एक यूरोपियन कंट्री है इसकी कैपिटल वियना, एक फेमस हेडक्वार्टर भी है इस वियना में ओपेक का। ओके, फेमस हेडक्वार्टर भी है ओपेक का वियना में, जिसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज।
क्या फुल फॉर्म है इसका? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये हेडक्वार्टर है कहाँ पे? वियना ऑस्ट्रिया में, ओपेक का। तो ये देश है ऑस्ट्रिया। फिर ये ऑस्ट्रेलियन मतलब क्या? तो ये देश है ऑस्ट्रेलिया। ये देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी है कैनबेरा और करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्लियर है क्या? ये वाले देश याद रखना, ऑस्ट्रेलिया, कैनबेरा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ये ऑस्ट्रिया है, वियना यूरो करेंसी। तो ये दोनों देश अलग अलग है। तो ये दोनों मैंने आपको बताया है, एक ए से क्या है? ऑस्ट्रेलिया, और एक देश है ऑस्ट्रिया, बराबर, दोनों डबल ए। अब बी से मतलब क्या? बी से क्या देखेगा आपको? बहरान देश। क्लियर आपको? बी से कौन सा देश है? बहरान देश। और सी से क्या है? कैनेडियन, जो अभी रिसेंटली जीता था इन्होंने। एंड लास्ट ग्रैंड प्रिक्स कौन सा जीता? तो ये ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स है। ये ऑस्ट्रेलियन अभी 2 जुलाई को हुआ था, ये 2 जुलाई को खेला गया अभी 2023 को। तो अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन जीता, उसके पहले कैनेडियन जीता था इन्होंने। तो शॉर्टकट में आपको याद करवाया है मैंने, डबल एबीसी, डबल एबीसी याद रखना, और एमएमएस। तो डबल एबीसी मतलब समझ गए होंगे आप, एक ऑस्ट्रेलियन, एक ऑस्ट्रियन, एक बहरान, और सी से क्या है? कैनेडियन। अब एमएमएस मतलब, जैसे हमने सुना एमएमएस, हम मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस बोलते हैं उसको। तो अभी क्या याद रखना, एमएमएस मतलब एक एम से मोनाको, एक एम से मियामी, और एस से स्पेनिश। ऐसे याद रखना है शॉर्टकट में, डबल एबीसी और एमएमएस। तो एक एम से होगा मियामी, एक एम से होगा मोनाको, और एक एस से होगा स्पेनिश। तो ऐसे एमएमएस याद रखना शॉर्टकट में, और डबल एबीसी याद रखना शॉर्टकट में। क्लियर सबको? अपने इतना याद रखा तो भी चलेगा, डबल एबीसी, एमएमएस। ये ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स ने। मैक्स को स्पॉन्सर करता है रेड बुल, और मैक्स कहां से है? नेदरलैंड से। बस आपको ये 7 अल्फाबेट याद रखना है जो कंटिन्यूज है, डबल ए बी सी मतलब ए बी सी, ये तो हम जानते थे, और एमएमएस हम बोलते थे जैसे मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस बोलते हैं, तो वैसे ही याद रखना है डबल ए बी सी एमएमएस। फिर अब डबल ए बी सी मतलब क्या? तो ए से ऑस्ट्रेलियन, ए से ऑस्ट्रियन, बी से बहरान, और सी से कैनेडियन। ओके, ये हो गए। उसके बाद बताया एमएमएस। अब एमएमएस मतलब क्या? मियामी, मोनाको और स्पेनिश। ये 7 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स ने। क्लियर सबको? ये 7 जो नाम है आपको शॉर्टकट में याद रखना है, डबल एबीसी एमएमएस से। इस बार तो काफी इजी है क्योंकि एक ही पर्सन ने सारे ग्रैंड प्रिक्स जीता है, लगभग 7 ग्रैंड प्रिक्स 9 में से। अब बचे 2 ग्रैंड प्रिक्स। तो 2 जो ग्रैंड प्रिक्स है उसमें सिर्फ एक ही नाम है, वो है सर्जियो पेरेज। नेक्स्ट नाम देखते हैं, क्या दिख रहा है हमें? सर्जियो पेरेज, एक नाम दिख रहा है, इसको शॉर्टकट में याद करना सर्जियो। ओके, शॉर्टकट में क्या रखोगे? सर्जियो। और सर्जियो को कौन स्पॉन्सर करता है? इसको भी रेड बुल है, और ये कहां से बिलोंग करता है? मेक्सिको से, बराबर। हमें मैक्स भी हमें रेड बुल दिखा था, बराबर, मैक्स को भी स्पॉन्सर रेड बुल कर रहा था, बराबर, सर्जियो को भी स्पॉन्सर रेड बुल कर रहा है, बट वो नेदरलैंड से था, और ये कहां से है? मेक्सिको से है। इसने 2 जीता, तो एक उसके नाम से एस से सर्जियो, और एस से सऊदी अरेबियन याद रखना, ठीक है, एस से सर्जियो और एस से सऊदी अरेबियन, और दूसरा अजरबैजान। ये दोनों ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? जैसे एस ए याद रखना शॉर्टकट में, ऐसे मतलब आप जैसे सिटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं, ऐसे मतलब क्या बोलते हैं शॉर्टकट में? सिटिंग अरेंजमेंट। तो भी याद रखना ऐसे मतलब सऊदी अरेबियन और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स। ये दोनों किसने जीता है? सर्जियो ने। क्लियर, याद रहेगा शॉर्टकट में, उसका नाम याद रखो सर्जियो। सर्जियो को स्पॉन्सर करता है रेड बुल, कहां से है? मेक्सिको से। इसने 2 जीता ऐसे जैसे सिटिंग अरेंजमेंट, तो वैसे याद रखना सऊदी अरेबियन और अजरबैजान, या उसका नाम ऐसे सर्जियो, ऐसे सऊदी अरेबियन, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो ये अभी तक 9 ग्रैंड प्रिक्स कंप्लीट हो चुके, तो अभी इसके बाद जो ग्रैंड प्रिक्स होगा वो भी अपन देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी 2 ही नाम हमें देखने वाले शॉर्टकट में। जैसे मैंने आपको एक बार बताया था, फिर से रिवाइज कर देता हूं, शॉर्टकट में 2 ही नाम बताया था, एक मैक्स, दूसरा सर्जियो, क्योंकि अभी तक 2 ही नाम आए हैं। तो मैक्स ने मैक्स को भी स्पॉन्सर रेड बुल, और सर्जियो को भी स्पॉन्सर रेड बुल। बस मैक्स नेदरलैंड से है, और सर्जियो कहां से? मेक्सिको से। अभी तक 9 खेले जा चुके हैं, तो जिसमें मैक्स ने 7 जीता और 2 सर्जियो ने। मैक्स का
शॉर्टकट में डबल एबीसी था और एमएमएस था, और इसका क्या था एसए, एसए मतलब सऊदी अरबियन अजरबैजान, और उसका बैक्स का डबल एबीसी मतलब ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रियन बेरान कैनेडियन, और एमएमएस मतलब मियामी मोनेको स्पेनिश। डन, यहां पे हमारा ग्रैंड प्रिक्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझा होगा और आपको ये शॉर्टकट्स पसंद आए होंगे, और आपको ये जो टॉपिक है ये शायद 5 मिनट में या 2 मिनट में ही आपको याद हो जाएगा। कभी आप चाय पीने जा रहे हो, कभी घूम रहे हो, तो आप ये वीडियो देख के ये बिल्कुल याद कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसकी टेस्ट दी जाएगी, जिसको जिसमें आपको लगभग 10 क्वेश्चन रहेंगे, वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है वीडियो देखने के बाद। वीडियो को एक बार याद नहीं होता तो 2 बार देखो, और वीडियो याद करने के बाद ही नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेस्ट दिखेगी, तो टेस्ट आपको देना है। क्लियर? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो और कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।